हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, जैसे इस ड्रॉप का यूज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है, इस ड्रॉप को किस तरीके से यूज करना चाहिए। बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान खान, आप देख रहे हैं काम की नॉलेज। बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप को एलन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसे आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से 110 रुपए में 10 ml की पैकिंग में खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप में कौन कौन से फार्मूला पड़े होते हैं जिससे मिलाकर इसे बनाया जाता है। बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप में पैराडाई क्लोरोबेंजीन, बेंजोकेन, क्लोरबुटोल और तारपीन का ऑयल पड़ा होता है। इन चार कंटेंटों से मिलाकर बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप को बनाया जाता है। अब बात करते हैं बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। इस ड्रॉप में पैराडाई क्लोरोबेंजीन पड़ा होता है जो कि कान में मैल को हटाने का काम करता है, और बेंजोकेन का उपयोग दर्द और खुजली को दूर करने के लिए किया जाता है। बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का उपयोग कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा फफूंदी जम गई है, मैल जम गया है, कान में दर्द हो रहा है, आपके कान में दाना निकल आया है, अगर आपके कान में फोड़ा निकल आया है, तब भी आप बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कान में पानी घुस गया है जिसकी वजह से उसके कान में सनसनाहट रहती है, कान भारी भारी सा लगता है, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का उपयोग किस तरीके से करना होता है। बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का उपयोग करने से पहले आप इसके पैकेट पर लिखी हुई एक्सपायरी को अच्छे से देख लें, उसके बाद ही इस ड्रॉप का उपयोग करें। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले उसकी एक्सपायरी को हमेशा चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही दवाई का यूज करना चाहिए। आपके जिस कान में प्रॉब्लम है, आप बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप 5 से 8 बूंद उस कान में डालें और हल्के कॉटन से उसे बंद कर दें। 25 से 30 मिनट आप कान को बंद रहने दें, उसके बाद कॉटन को निकालकर ईयरबड से साफ कर लें। इसी तरीके से आपको कम से कम 4-5 दिन बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का उपयोग करना है। यह आपके कान की सभी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। अब बात करते हैं बैक्सिक्लिन एयर ड्रॉप का उपयोग करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिले तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलें सबसे पहले देखने के लिए। अगर किसी मेडिसिन से संबंधित आपका कोई सवाल है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।